अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में उत्तिष्ठ भारत कार्यक्रम के अवसर पर भट्ट सभागृह में सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रम पेश किए गए। इस मौके पर हजारों लोग मौजूद थे। आइए डालते एक नजर। 75वीं अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में उत्तिष्ठ भारत कार्यक्रम के अवसर पर भट्ट सभागृह में सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रम पेश किए गए। इस मौके पर कवि वराय सुरेश भट्ट सभागृह में लोगों का हुजूम दिखाई दिया। आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के गायिका और गायकों ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति देकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। RSS प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत, इन्होंने उपस्थित लोगों के समक्ष अपने उत्तिष्ठ भारत के विचार व्यक्त किए। तरुणों को कहा जाता है कि तरुण सारे काम करते हैं, क्योंकि तरुणाई जोश का दूसरा नाम है, जोश तरुणाई का दूसरा नाम है। परंतु जोश को दिशा चाहिए और जोश क्षणिक होता है, चाहे जब उसको बुलाकर उससे काम करवा लेने का काम होश करता है। और इसलिए आज अपने स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव के वर्ष में 14 अगस्त को हम लोग यहां बैठे हैं और हमने ये नाम दिया है कि 2047 की हमारी विजन क्या है और हमारी एक्शन क्या हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उस विजन और एक्शन के लिए ताकत और उत्साह चाहिए, जोश और हिम्मत चाहिए, परंतु उसके साथ साथ उसकी एक दिशा चाहिए और उस दिशा को समझने के लिए होश के साथ विचार करना पड़ता है। हमको 2047 में भारत को बड़ा करना है। अब अपने आप को बड़ा करना है तो भी बहुत सारे परिश्रम करने पड़ते हैं। यहां तो पूरा देश खड़ा करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। हमारे सामने वो सारा इतिहास एक नृत्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया। वो जो कहानी है देश को बड़ा करने की, वो हमेशा खून से, पसीने से, आंसुओं से लिखी जाती है। नारे तो उस पर बाद में लगते हैं, पता नहीं उस समय नारे लगे कि नहीं। और इतना तो पता है कि वंदे मातरम के नारे लगे तो अंडमान में जाना पड़ा काले पानी की सजा भुगतने के लिए, नुकसान उठाना पड़ता है। हम अगर ये संकल्प लेना चाहते हैं तो हमको पता है कि इसके पहले 75 वर्ष ही नहीं, जब से पहला आक्रमक वायव्य दिशा की अपनी सरहद लांग कर इस देश में कदम रखता गया, तब से आज तक इस भारत को भारत रखने के लिए, इस भारत को बड़ा होने के भविष्य का अवसर रखने के लिए कितने ही वीरों के बलिदान हुए हैं। लाख लाख पीढ़ियां लगी जब हमने इस संस्कृति को उपजाया और कोटि कोटि सर चढ़े तभी इसकी रक्षा संभव हो पाई। उस बलिदान की, त्याग की तैयारी जिनकी है उनके लिए ये विजन, ये एक्शन है, उनके लिए आज का कार्यक्रम है। जो ये हिम्मत नहीं करते सोचने की भी, उनके लिए कार्यक्रम नहीं है। जो केवल अपनी सोचते हैं उनके लिए कार्यक्रम नहीं है। जो चाहते हैं मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर बढ़ते वीर अनेक, ऐसी उमंग जिनके मन में है उनके लिए कार्यक्रम है। हमको ये विचार करना होगा, विजन और एक्शन 2047 की, इस पर भाषण देना आसान है, इस काम को करना है तो बीड़ा उठाना है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाड़ी हाथ, जो घर फूंके आप हो चले हमारे साथ। कितने ही लोगों ने अपने घर को फूंक दिया, अपने प्राणों की बलि दे दी,
हंसते हंसते कोई पश्चाताप नहीं था। खुदीराम बोस जब फांसी पर चढ़े तो उनकी माताजी थी, सार्वजनिक फांसी हुई थी, माताजी भीड़ में खड़ी रहकर देख रही थी, उसके आंखों में स्वाभाविक आंसू थे। खुदीराम बोस के मन में क्या विचार है कवि वर्णन करता है। खुदीराम बोस कहते हैं, माता रो मत, अभी जाकर आता हूं, काम अधूरा है, 9 महीने के बाद फिर तुम्हारे ही उदर से जन्म लूंगा और इस काम को पूरा करने के लिए फिर जीवन कमाऊंगा। यह जोश चाहिए जो होश से निकलता है। पहली तो बात है, हमारे एक्शन के पहले हमारा गोल, उस गोल तक जाने की पक्की संकल्प शक्ति। यह काम हमको करना ही है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, ये अपने जीवन का मंत्र बना लेंगे तो विजन और एक्शन दोनों स्पष्ट हो जाएगा। भारत को हमको बड़ा करना है, यानी क्या बड़ा करना है? कई बार लोग कहते हैं भारत को बड़ा करना है, देखो अमेरिका में कैसा है, भारत को बड़ा करना है, देखो चाइना कहां तक पहुंचा, भारत को महाशक्ति बनाना है, भारत को भारत के नाते बड़ा बनाना है। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका बड़ा तो बना है, बलाढ्य है, संपन्न है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे है, लेकिन सारी दुनिया पर अपनी व्यवस्था लादने का डंडा चलाता है, क्योंकि अपनी छोटी सी जनसंख्या के लिए उसको बहुत सारे संसाधन चाहिए। चीन भी बड़ा बना है, आगे गया है, लेकिन अपने सामर्थ्य का उपयोग अन्य देशों के टुकड़े अलग करके अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए करता है। क्या भारत को ऐसा बनना है? ये भारत नहीं है। भारत एक स्वभाव है। भारत ने जाना है, इतिहास ने जब आंखें खोली तब उसको ज्ञान संपन्न भारत मिला। वो ज्ञान क्या था? वो ज्ञान है संपूर्ण अस्तित्व की एकता का ज्ञान। अधूरे ज्ञान में आज भी दुनिया भटक रही है। बहुत प्रगति हुई है, बहुत सुविधाएं मिली है, बहुत सारा भौतिक ज्ञान का विस्तार हुआ है, परंतु आज भी कोरोना जैसी बीमारी सारे विश्व को 2 साल के लिए पंगु बना देती है। और उस महाआपदा में सबसे आगे कौन रहता है, सबसे ठीक कौन रहता है? भारत रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि अधूरी दृष्टि जो प्रचलित है उसके पास जोड़ने वाले तत्व का ज्ञान नहीं। भारत के प्राचीन पूर्वजों ने वो ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने ये जाना जो आज का प्रगत विज्ञान कहता है, एवरीथिंग इज रिलेटेड, सारा विश्व एक से निपजा है और एक से एक के कारण हम सबका संबंध है। हम दिखते अलग अलग है, बरतते अलग अलग है, खाते पीते अलग अलग है, पूजा अलग अलग करते हैं, सब प्रकार की बातें अलग अलग है, सृष्टि में विविध रंग रूप है, परंतु ये सारे एक स्तर तक भासमान रहते हैं, वास्तविकता एब्सोल्यूट रियल। देश का जवान जोश का दूसरा नाम है, लेकिन जोश को दिशा चाहिए। स्वतंत्रता दिन के अमृत महोत्सव 2047 तक भारत को बड़ा बनाना है, उसके लिए हम सबको पूरी शिक्षा से काम करना होगा। जब जब इतिहास ने आंखें खोली तब तब ज्ञान संपन्न भारत मिला, आदि उक्त विचार डॉक्टर मोहन भागवत इन्होंने लोगों के सामने रखा। इस मौके पर भारत माता की जय, वंदे मातरम की गूंज से पूरा सभागृह गूंज उठा था, सबके हाथों में तिरंगा दिखाई दे रहा था। भट सभागृह से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मिरिक रिपोर्ट।